Hello everyone, I hope everything is right. So I am here again with you through this video, and in this video I am going to explain you the third chapter of English 1, and that is the Kids Club. As the name of the chapter is the Kids Club, you all get the hint that in this chapter we are going to study about the kids and their club. Okay, so basically in this story there are three children who couldn't find a place to play. Okay, so we are going to study what they actually do to find a place to play. In this story there are four characters: Gautam, Sanaya, Saif and Uncle Venu. Gautam, Sanaya and Saif live in a building called Bharat Apartments, and in this building there are 12 floors. Even though there are 12 floors, there is no place for children to play. Okay, and the only place where they can play is the staircase. So one day the three children talked together about this. Sanaya said that I don't like the staircase, it is dark and dirty. Sanaya kehti hai ki mujhe staircase acha nahi lagta kyunki ye bahut hi zyada andhera and ganda rehta hai. Then Gautam said that is the best place to play, come I will show you how to have fun, let's take the lift to the top floor. गौतम कहते हैं कि मुझे पता है एक गेम जो कि बहुत ही मज़ेदार जगह है खेलने के लिए, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप फ्लोर पे जाना पड़ेगा. देन द चिल्ड्रन क्विकली गो अप स्टेयर्स. आफ्टर दैट गौतम सेड दैट कम ऑन गेट बिजी, एवरीबॉडी शुड रिंग अ डोरबेल एंड रन. गेम क्या है यहाँ पे वो गौतम समझाता है कि हमें क्या करना है कि डोरबेल बजाना है और भागना है. Then Sanaya asks that ring a bell, why we have to ring a bell. Then Gautam said that to see the fun, so that हम सब देखेंगे कि मज़ा करने के लिए कर रहे हैं. ओके, यानी कि गेम खेलना स्टार्ट कर रहे हैं. Come on, start running or they will catch you. तो हमें बेसिकली क्या करना है, गौतम कहता है कि हमें बेसिकली क्या करना है, डोर बेल बजाना है और भागना है, नहीं तो ये हमें पकड़ लेंगे. Then all the children press the doorbells of three flats and run down the stairs. Six floor below they stop to listen the angry voices. और ये सब डोरबेल बजाते हैं और नीचे चले जाते हैं, जिस बिल्डिंग पे इन्होंने डोरबेल बजाया रहता है उससे छः फ्लोर्स नीचे चले आते हैं. ओके, और उसके बाद बहुत सारे गुस्से वाले आवाज़ आते हैं, तो क्या आते हैं, What's going on here? Who rang the bell? Wait till I catch you. बेसिकली ये जो गेम ये बताया गौतम, ये हम सब भी बचपन में खेलते हैं. किसी पड़ोसी का डोरबेल बजाते हैं और भाग जाते हैं, वो निकलते हैं, गुस्सा होते हैं और हमें मज़ा आता है, और बच्चों के लिए यही बहुत अच्छा गेम होता है. और बिकॉज इनके पास कोई जगह नहीं है खेलने के लिए, ये सिर्फ स्टेयर केस में खेलते थे, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा गेम इन्हें लगा. सो दैट सैफ सेड दैट दिस इज़ द बेस्ट गेम आई हैव एवर प्लेड, ये सबसे अच्छा गेम है जो मैंने अभी तक खेला, सैफ ने बोला. ओके, एंड गौतम सेड दैट कम ऑन लेट अस डू इट अगेन, चलो हम फिर से इसे करते हैं. और पूरे वीक इन्होंने ऐसा ही किया और ये पकड़े नहीं जाते थे. एक दिन इन्होंने 8th फ्लोर पे एक आदमी के घर का डोरबेल बजाया, और जब वो मैन बाहर निकला और बोला हु इज़ देयर, और उन्होंने बताया कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम सब बच्चे हो जो सबको परेशान कर रहे हो, वापस आ जाओ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ. ओके, देन सैफ सेड दैट लेट्स रन. Then Sanaya said, "Oh, Gautam fallen and hurt himself. We have to help him." Sanaya कहती है कि गौतम गिर गया, उसे चोट लगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए. And Gautam, oh my leg. और गौतम को तो चोट लगी हुई है, so that वो अपने पेन को एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे कि ओ मेरा पैर ऐसे रो रहा था वो. Then Saif come on, gets up Gautam, the man is coming down. और वो कहता है, सैफ कहता है गौतम से कि उठो गौतम, चलो वो आदमी नीचे आ रहा है. देन गौतम रिप्लाइड दैट यू रन आई कांट मूव, तुम भाग जाओ मैं नहीं मूव कर सकता हूँ. एंड सनाया सेड दैट वी विल नॉट लीव यू हियर, हम सब तुम्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जाने वाले हैं. तब तक में वो आदमी नीचे आ जाता है और इन सभी बच्चों को पकड़ लेता है और कहता है तुम सब बहुत ही ज़्यादा शरारती हो, नॉटी हो, और तुम ही सब पीपल को डिस्टर्ब कर रहे हो इस अपार्टमेंट्स में, और तुमने ये बहुत ही ज़्यादा गंदा काम किया, ये बहुत ही ज़्यादा रूड वर्क है, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. ओके, देन ही बेंड्स ओवर गौतम एंड फील हिज लेग जेंटली,
और ये क्या करते हैं, गौतम के ऊपर बेंड करते हैं और उसके पैर को जो है वो जेंटली ऐसे देखते हैं कि क्या हुआ है, और वो कहते हैं कि आई डोंट थिंक यू हैव एनी ब्रोकन लेग, ओके, कि तुम्हारा कोई भी जो बोन है वो टूटा हुआ है, ये बस छोटा सा कट आया है, और मेरे साथ मैं इसे बैंडेज कर देता हूँ। तब ये तीनों बच्चे इनके घर जाते हैं और ये जो अंकल है ये सब वो जो गौतम गिरा हुआ था उसके पैर पे पट्टी कर देते हैं और कहते हैं कि कमन सिलजन, आई एम वेणुगोपाल। अब ये बताते हैं इनका नाम वेणुगोपाल है और तुम सब मुझे अंकल वेणु भी कह सकते हो, ओके। टेल मी व्हाई हैव यू बीन ट्रैवलिंग एवरीवन। और बैंडेज करने के बाद पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम सब सबको क्यों परेशान कर रहे हो। देन सनाया रिप्लाइड दैट वी आर सॉरी अंकल बट देयर इज नो प्लेस फॉर अस टू प्ले। ये सॉरी कहती है और कहती है कि हमारे पास कोई भी जगह नहीं है खेलने के लिए, इसलिए हमने ऐसा गेम खेला क्योंकि स्टेयरकेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क एंड डटी है, वहाँ पे हमें खेलना पसंद नहीं है। देन अंकल वेणु सेड दैट आई हैव एन आइडिया। ये कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा रूम है और हम सब वहाँ पे किड्स क्लब स्टार्ट करेंगे और तुम सभी बच्चे यहाँ पे आके मिलोगे और जो भी तुम खेलना चाहते हो वो तुम खेलोगे, एक्सेप्ट रूट सिंग लाइक रिंगिंग अदर पीपल्स डोरबेल एंड रनिंग अवे। सिर्फ क्या नहीं करना है, डोरबेल दूसरों का नहीं बजाना है और भागना नहीं, इससे क्या होता है दूसरे परेशान हो जाते हैं, ओके। एंड उसके बाद अंकल वेणु स्माइल करते हैं और उस टेन चिल्ड्रेन से दैट वी सो सॉरी अंकल, हम सब बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। और ये कहते हैं अंकल वेणु कि नहीं, हम सिर्फ मुझे सॉरी नहीं कहना है, तुम्हें सब उस इंसान को सॉरी कहना है जिसके तुमने डोरबेल बजाया, ओके। देन चिल्ड्रेन सेड दैट यस वी विल, थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड। ये बोलते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हम सबको सॉरी बोलेंगे और थैंक यू सो मच कि आप इतने काइंड हो, आई मीन हमारे लिए किड्स क्लब स्टार्ट कर रहे हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली एंड थैंक यू सो मच।